अगर किसी देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया है तो वो है चाइना। 13.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन चाइना की ग्रोथ का ये पहिया थोड़ा धीमे होते नजर आ रहा है। चाइना की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को जहां अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भी नहीं रोक पाए, वहीं एक वायरस ने इसे झटका दे दिया है। इस वायरस का असर जहां चाइना के आम लोगों की जिंदगी पर देखने को मिल रहा है, वहीं चाइना की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी गहरा असर देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आज किस्सा आज तक पर मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना वायरस का असर आखिर चाइना की इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या पड़ रहा है और साथ ही भारत की इकोनॉमी के लिए इसके क्या मायने हैं। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। चाइना की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा निर्भर करती है मैन्युफैक्चरिंग पर, फिर चाहे वो कार हो, मोबाइल हो, कंज्यूमर गुड्स हो या फिर कुछ और। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी जिस पर लिखा होगा मेड इन चाइना। मैन्युफैक्चरिंग के बाद इन चीजों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी अगर ये मैन्युफैक्चरिंग रुकती है तो एक्सपोर्ट में भी कमी आएगी और उन देशों में भी नुकसान होगा जहां पर ये चीजें बेची जाती हैं। कोरोना वायरस की वजह से चाइना में ज्यादातर इंडस्ट्रीज बंद कर दी गई हैं। कार बनाने वाली कंपनियों ने अपने प्लांट बंद कर दिए हैं, मोबाइल की प्रोडक्शन भी रुक चुकी है और चाइना में एयरपोर्ट खाली हो चुके हैं। कोरोना वायरस की जहां से शुरुआत हुई उस वुहान सिटी की ही बात करें तो ये शहर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का हब है जहां गाड़ियों के पार्ट्स आदि बनाए जाते हैं। यही नहीं, चाइना की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से 2 यूनिवर्सिटीज वुहान में ही हैं। फॉरेन कंपनियों के लिए यह शहर काफी अहम है। DHL's रिजिलियंस 360 इंडेक्स की माने तो वुहान में 50% मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से जुड़ी है और 25% टेक्नोलॉजी से। कोरोना वायरस की वजह से चाइना की टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी काफी गहरा असर देखने को मिल रहा है। नए साल की शुरुआत में जहाँ ये टूरिस्टों का सीजन होता है, वहीं लगभग ज्यादातर इंटरनेशनल एयरलाइंस ने चाइना के लिए अपनी फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में टूरिस्टों की संख्या में लगभग 55% की कमी आई है। वहीं कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो चाइना में कंज्यूमर गुड्स पर भी काफी गहरा असर पड़ा है। वहीं डोमेस्टिक फूड मार्केट की बात करें तो इस पर भी वायरस की वजह से चाइना में काफी असर पड़ा है। अब बात करते हैं चाइना के GDP ग्रोथ रेट की। बीजिंग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में चाइना का GDP ग्रोथ रेट 6% रहा था और अमेरिका के साथ पिछले साल ट्रेड वॉर के बाद इसके अब और बेहतर होने की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना वायरस के बाद GDP ग्रोथ रेट 5% रहने की उम्मीद की जा रही है। ग्लोबल कंपनियों की बात करें तो कई ऐसी कंपनियां हैं जो चाइना से सप्लाई पर निर्भर करती हैं। एप्पल को ही लें तो एप्पल के 800 ग्लोबल सप्लायर्स हैं, जिनमें से 290 सप्लायर्स चाइना में ही हैं। दुनिया में बनने वाले टीवीज में से 9% टीवीज चाइना में ही बनते हैं। यूरोप और अमेरिका में कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पहले ही शॉर्टेज होने की बात कह रही हैं। वहीं हुंडई की बात करें तो इस कंपनी ने चाइना से आने वाले स्पेयर पार्ट्स की कमी के चलते साउथ कोरिया में अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है। यही नहीं, अमेरिका की सबसे बड़ी कार कंपनी जनरल मोटर्स ने भी आंशिक तौर पर प्रोडक्शन बंद कर दी है। जापान की बात करें तो चाइना जापान की मशीनरी, कार, ट्रक और टेक्नोलॉजी का काफी बड़ा खरीदार रहा है। ऐसे में चाइना में कोरोना वायरस से हो रही दिक्कतों के चलते जापान में भी बिजनेस और इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। अब सबसे अहम सवाल, भारत का क्या? ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो भारत अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और केमिकल आदि चाइना से ही इंपोर्ट करता रहा है, लेकिन चाइना में बन रही स्थिति के चलते इनके दाम बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, जिससे पहले से ही दिक्कतों में चल रहे ऑटोमोबाइल सेक्टर पर और गहरा असर पड़ने की उम्मीद की जा रही है। भारत के टूरिज्म पर भी इसका काफी असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2019 में भारत में आने वाले टूरिस्टों में से 3.12% टूरिस्ट चाइना से ही थे। चाइना भारत का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। साल 2019 में भारत के कुल इंपोर्ट में से 14% इंपोर्ट चाइना से किया गया था।
वहीं कुल एक्सपोर्ट में से 5% एक्सपोर्ट भी चाइना को ही किया गया था। कोरोना वायरस से पैदा हुई स्थिति के चलते इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फिगर्स में भी कमी आने की आशंका है। यही नहीं, भारत की डायमंड इंडस्ट्री को भी इससे काफी नुकसान हो रहा है। पैरासीटामोल जैसी आम दवाई में यूज होने वाली ड्रग जो चाइना से इंपोर्ट की जाती है, उसका दाम भी पिछले 10 दिनों में दोगुना हो गया है। बाकी रही बात चाइना से आने वाले मोबाइल या टेक्नोलॉजी की, तो इनकी शॉर्टेज भी हो सकती है, जिसके चलते इनके दाम बढ़ने की उम्मीद भी की जा सकती है। लेकिन भारत के लिए जहां कुछ नुकसान है, वहीं इस स्थिति का भारत को फायदा भी मिल सकता है। जैसे ग्लोबल बायर सेरेमिक, होमवेयर, फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के लिए चीन की जगह अब भारत की ओर अपना रुख कर सकते हैं। और वहीं चाइना की लोकल प्रोडक्शन प्रभावित होने के कारण भारत केमिकल, पेट्रोलियम, एग्रीकल्चरल, इंजीनियरिंग गुड्स और प्लास्टिक जैसी चीज़ें चाइना को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। यही नहीं, चाइना में चल रही स्थिति के चलते कच्चे तेल के रेट में कमी आ रही है, जिसका फ़ायदा भारतीय बाजार को मिल सकता है। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं हमारा शो किस्सा आज तक।